ओए होए चला के दिखा दो मम्मी। हाँ। थोड़ा सा देखिए, सरसों का जो मसाला रस्सा होता है ना, ग्रेवी जो होता है बहुत गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, बस इतना काफी होता है। क्या पीस हुआ देखो एकदम। क्या बना रही हो मम्मी? ये मछली बनाएंगे आज। मछली स्पेशल बनने वाली है। हाँ हाँ, ये कतला फिश है ये। अच्छा? करीब हाँ 1 किलो से ज्यादा है, करीब 1250 ग्राम है ये कतला। तो, मछली बनेगी मतलब? हाँ ठीक। तो है। सबसे पहले इसको हम मैरिनेट कर दें, तो इसमें हम थोड़ी सा ये हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर? हाँ हल्दी पाउडर थोड़ी सा डालें। मम्मी दो ही तो फेमस मछली है, एक रोहू और एक कतला। हाँ हाँ, अभी थोड़ी सा मिर्ची डालेंगे। थोड़ी सा मिर्ची डाल दिए, अब नमक डालेंगे। नमक भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना हम नमक डालेंगे, करीब छोटे चम्मच से, आधी चम्मच से ज़्यादा होगा। अब देखिए 1 चम्मच ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम आपस में अच्छी तरह मिला देंगे, ये पूरा मैरिनेशन। हाँ मैरिनेशन के लिए ये सब, इसको हम अच्छी तरह मिला के इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। अब देखिए ये अच्छी तरह मिल गया है, अब इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए, करीब हम 10-15 मिनट के लिए इसको रख देंगे, और तब तक हम मसाले के लिए तैयारी कर लें। अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लें, तो देखिए ये करीब डिनर वाले चम्मच से 3 चम्मच ये राई है, राई या पीला काला कोई ले सकते हैं। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है उसी चम्मच से। ये देखिए ये थोड़ी सा जीरा मिर्च है, आधी चम्मच ये जीरा मिर्च है, इसको भी डाल दिए। मिर्च क्या होता है? काली मिर्च को हम लोग मिर्च। अब देखिए ये 2 गांठ लहसुन है, छील लिए हैं हम उसको। देखिए यही हरी मिर्च, ये ज़्यादा तीती नहीं है, इसको हम डाल देंगे खुशबू के लिए, इसमें हम डाल देंगे हरी और, मिर्च। हाँ अब देखिए यहाँ आप मतलब मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ये मिर्ची तेल में थोड़ी 2-4 बूंद तेल में रोस्ट करके लिए हैं धीमी आंच पर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मम्मी सूखी लाल मिर्च? हाँ सूखी लाल मिर्च है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, आपको टेस्ट में डिफरेंस दिखेगा। क्या सही दिख रहा है यार। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के खूब मतलब बारीक पेस्ट बना लेंगे हम। चलो तो पेस्ट बना लेते हैं। हाँ देखिए मसाला पिस गया है, एकदम इसी तरह बारीक पीसना है। अभी तेल भी हम गरम कर लिए हैं, मछली फ्राई करना है, मैरिनेट हो गया है मछली, करीब 10 मिनट हो गया। अब इसको हम सावधानी से धीरे से डालेंगे। हाँ जब तक ये थोड़ी नीचे कड़क हो जाएगा तभी पलटेंगे, अभी नहीं पलटना है इसको, और मतलब फ्राई हो जाए तब इसको हम मतलब फिर से पलटेंगे। ये देखिए दोनों साइड से मछली फ्राई हो गया है, इसको बहुत क्रिस्पी नहीं करना है हमको, नहीं तो इसका जूस सूख जाएगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, हमको इसका जूस को बचा के रखना है। फ्राई हो गया? हाँ मछली फ्राई हो गया, बनाने लायक इतने ही करना है, कोई खाना नहीं है तल के। अब देखिए पूरा मछली हम फ्राई कर लिए हैं, अब ग्रेवी की तैयारी करें। अब इसके लिए देखिए तेल भी गरम हो ही चुका है, वही तेल है जिसमें हम मछली फ्राई किए थे, तेल गरम है। इसमें देखिए आधी चम्मच राई या सरसों, पीला वाला या काला वाला कोई भी आप डाल दें, इसको ढक दें ताकि ये चटक के तेल को बाहर ना करे। अभी ये राई चटक गया है, और आँच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 चम्मच ये लाल मिर्च है कश्मीरी वाली, या 1 चम्मच ये हल्दी पाउडर तेल में डालेंगे कलर के लिए। बस इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। यहाँ टमाटर डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और ये टमाटर का पानी जलने तक हम थोड़ी भूनेंगे इसको मीडियम आंच पर। देखिए ये टमाटर हो गया है, पानी उसका जल गया है, अब जो मसाला हम पीसे थे ना उसको डाल देंगे। मसाला गया अंदर मम्मी? हाँ अब इसको भी हम भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। अच्छा हाँ, तो हम सबसे कहेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ट्राई भी करिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ये सरसों का मसाला वाला फेमस मछली है, सब कोई जानता है। सही बात है मम्मी, कतला मछली। हाँ, सरसों के मसाले में बनने वाला। हम तो ज़्यादातर सरसों के मसाले में ही बनाते हैं, क्योंकि बचपन से वही खाते आए हैं। और मम्मी जो लोग कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, हाँ उनके लिए भी कुछ। हाँ उनको थैंक यू बोलेंगे इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, इतना मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मोटिवेशन बहुत मिलता है, मन करता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहो। हाँ तो अभी तो बड़ी बड़ी कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स भी आने वाली हैं, तो सभी से सही में रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके रखिए, तो वीडियो मिस ना हो आप। हाँ
अब मम्मी इसको फिर भून लेते हैं अपन लोग। अब थोड़ा मसाला भून गया है, अब इसमें नमक डालेंगे हम। देखिए हम, आप स्वाद अनुसार डालिएगा। ये करीब इससे 2.5 चम्मच नमक होगा ये। अब इसको हम वैसी प्रकार भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। नमक तो स्वाद अनुसार। हाँ, नमक स्वाद अनुसार। ये नमक गया ना, अब तेल सेपरेट हो गया इसका। ठीक है, तो भूनते हैं इसको मम्मी। हाँ, धीमे आंच पर भूनते हैं। अब देखिए मसाला भून गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब यहाँ हमको जितना ग्रेवी रखना है उतना हम पानी डालेंगे। अब इसको हम खोलने देंगे, खूब खोल जाएगा, एक मतलब एक दो खोल आएगा, उसके बाद हमें मछली को डालना है। अब देखिए ग्रेवी करीब 2-2.5 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह खोला लिए हैं। अब इसमें हम एक एक करके मछली डालेंगे। अब इसको हम धीमे धीमे आंच पर, मतलब बिल्कुल धीमा, मीडियम से कम आंच पर इसको करीब हम 4-5 मिनट तक इसको हम खोलने देंगे, ताकि इसका मसाला तेल नमक सब आपस में अब्जर्ब हो जाए। फिर मम्मी ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, फिर खाने नहीं, मछली थोड़ी ठंडा करके खाते हैं। तो मेरे को खाने नहीं मिलेगा अभी? नहीं, ये नहीं कि खोलते खुला और तुम खाने लगे, ऐसा नहीं, थोड़ी ठंडा करके तब मछली अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको खोलने देते हैं। हाँ, इसको खोलने देते हैं हम। अब देखिए 4-5 मिनट खोलाने के बाद मछली हम बंद कर दिए थे। लेट्स गो मम्मी, लेट्स गो। कितना अच्छा कलर आया है। अब देखिए यही हम धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। धनिया की पत्ती भी? हाँ, हाँ। ओए ओए, चला के दिखा दो मम्मी। हाँ। थोड़ा सा देखिए, सरसों का जो मसाला रस्सा होता है ना, ग्रेवी जो होता है बहुत गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, बस इतना काफी होता है। सटीक बनाए मम्मी। हाँ, क्योंकि गाढ़ा करने के लिए सरसों ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर कड़ुआ हो जाएगा। ये एकदम सही अनुपात था। देखिए ये ग्रेवी काफ़ी है, मतलब बढ़िया दिख रहा है मम्मी। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी सा और मतलब पानी डाल सकता है। मम्मी मैं टिप दूँ एक? हाँ, भुजिया चावल के साथ खाने में मजा ही कुछ और आता है। भुजिया चावल के साथ सही बहुत अच्छा लगता है। बहुत सही लगता है खाने में। मैं तो बोलूँ मम्मी मेरे को टेस्टिंग भी करवा देना आप, ठंडा हो जाए। हाँ, थोड़ा अच्छा ठंडा हो जाए। देखिए ठंडा हो जाए, वरना गर्म गर्म आप बोलिए। हाँ, मछली नहीं खाते जैसे कि। हाँ, मछली टूटता है ज़्यादा चलाने से, इसलिए हम ज़्यादा उलट पलट के नहीं चला रहे हैं। बहुत सही लग रहा, मजेदार, एकदम मसालेदार कोटेड। हाँ, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट हर चीज। मैम इसको अभी कितनी देर छोड़ेंगे फिर अपन? इसको थोड़ी ठंडा होने के, अभी देखो ये ऐसे सॉफ्ट टाइप है ना। हाँ, हाँ। मछली ठंडा होता है मतलब थोड़ी कम, इतना खोलता हुआ नहीं चाहिए, मटन मुर्गा जैसा। हाँ। तभी अच्छा लगता है, वैसे तो अपना पसंद है जो जैसे खाए। हाँ, सही बात है, बहुत बढ़िया लग रही मम्मी। चले तो फिर मम्मी टेस्टिंग करने चले। हाँ, क्या थोड़ी ठंडा हो जाए तो बिल्कुल टेस्टिंग करो। ठीक है, लेकिन मम्मी मेरे को वो वाला पीस चाहिए बिना कांटे वाला। हाँ, बिना कांटे वाले ही देंगे तुमको। ठीक है मम्मी, करूँ टेस्टिंग? हाँ करो, मछली भी ठंडा हो गया होगा। मछली ठंडा हो गया लेकिन चावल राइस गरम गरम बना दी हो मेरे लिए, थैंक यू सो मच मम्मी। ये कम कांटे वाला पीस है ना? कम कांटे वाला दिए हैं बेटा। ये कम कांटे वाला ले लेता हूँ मैं। यार क्या सही लग रहा मम्मी। हाँ, और है कम कांटे वाला मन हो तो इसको भी ले लेना मम्मी, वो मेरे लिए रात को बचा दो। हाँ, ठीक कम कांटे वाला। हाँ ठीक है, रात के लिए बचा दे। क्या पीस हुआ है देखो, एकदम कड़ा हो गया लेकिन मम्मी सही में। हाँ, मतलब ठंडा होने के बाद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। देखो स्पून ले लो मम्मी। हाँ, ले। छोड़ो स्पून, छोड़ो, थोड़ी सी ग्रेवी ली जाए मम्मी। एक बार याद है उड़ीसा गए थे, वहाँ पे भी फिश राइस कितना अच्छा देते थे उधर भी। अच्छा दिया था, तो उस समय में 10 रुपए पीस एक देता था, अब कहाँ मिलेगा। हाँ सही बात है, और लोग भी सरसों वाला बनाए थे हमको याद है, बहुत बढ़िया बनाते थे उधर पे भी। बहुत अच्छी जगह उड़ीसा, बहुत सही जगह है। अच्छा लगा मुझे जाकर। ग्रेवी लोडेड हो गई है मम्मी, टेस्टिंग कर देता हूँ ठीक है ना। मम्मी तो बहुत मस्त दिख रही है यार खाने में, बहुत बढ़िया मम्मी। अच्छा बना है? बहुत बढ़िया बना है। ओहो थोड़ा आफ्टर टेस्ट आया अभी तो। हाँ। काली मिर्च का। हाँ। काली मिर्च का मरिच जिसको आप बोलती मम्मी। ओ जो मेरा मदर टंग है वो कहाँ जाएगा, हम लोग मरिच जीरा मरिच ही बोलते हैं। सब बहुत अच्छी लैंग्वेज है आपकी, क्यूट लैंग्वेज है मम्मी। हम मेरे को तो बोलते भी नहीं आता। हम बना के नहीं बोल पाते ना बेटा, जहाँ पूरे जीवन रह चुके अब कितना बदलाव मतलब आएगा, बनाकर बोले तो फिर बिल्कुल अलग रहेगा।
सही बात है। मरीज करते बहुत लोग हंसते हैं, फिर संभालते हैं उनकी नई मिर्च, काली मिर्च। ये एक एक टिप बताता हूँ मम्मी, मेरा मतलब मछली खाने के एक्सपीरियंस है, ये वाला जो पीस होता है ना चौकोर वाला, इसमें कम कांटा होता है। हाँ, तो तुमको दिए इसमें एक कांटा ही नहीं रहता। कम कांटे का जुगाड़ हो जाता है, खा लेता हूँ। तीन चार पीस है बेटा, ये बिना कांटे वाला ये दे दे क्या? ना ना अभी नहीं मम्मी, पहले इतना तो खा लू। आह मम्मी बहुत सही बना मछली, अरे बहुत अच्छा। वैसा भी आ रहा है पता मम्मी, हल्का सा जो मिर्ची वो करी थी ना आप, अच्छा जो मतलब रोस्ट की। हाँ 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 हाँ, तो उसका खुशबू सौंधापन तो आता है, मस्त सौंधापन आ रहा है। हाँ। उसका तो बहुत बढ़िया लग रही है तो खाने में।